नमस्कार, मॉर्निंग करेंसी कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 16 जून। कल के सेशन में हमने करेंसी मार्केट में एक अच्छा खासा प्राइस मूव आते हुए देखा। हमने देखा यूएसडी आईएनआर, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 76 के ऊपर अगर निकलती है तो हम अच्छी तेजी देख पाएंगे, और कल के सेशन में ओपनिंग में ही हमने 76.24 का लेवल छूते हुए देखा और शॉर्ट कवरिंग के चलते ये गेन दिखाई दे रहा था। वहीं हमने यूरो जीबीपी दोनों में ही लिक्विडेशन के चलते दबाव बनता हुआ देखा, और येन में एकाएक हमने मॉर्निंग सेशन में तो थोड़ा साइडवे देखा, बट गोल्ड के साथ साथ येन में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी फिर से बनते हुए देखी। कोविड-19 का कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे करेंसी कमोडिटी सभी पे मार्केट इंपैक्ट कर रहा है। सबसे पहले अगर यूएसडी आईएनआर की बात करें, कल हमने देखा जिस दिन से इक्विटी मार्केट के अंदर एकाएक फॉल बना था दिन के सेशन में, जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में जो प्रेशर था उसके चलते हमने रुपए में गिरावट आती हुई देखी। बट साथ में हमने देखा कल रात को जैसे यूएस ने वापस बॉन्ड बाइंग स्टार्ट की है, जो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा रहेगा, और हमें लगता है उसी का एक असर आज हम रुपए में मजबूती आती हुई देखेंगे। यूरो में भी हमने देखा सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते लॉकडाउन बढ़ सकता है, इकोनॉमी फिर से पटरी से उतर सकती है, जिसके चलते यूरो में प्रेशर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 96.50 के करीब स्टैग्नेंट है। जीबीपी में भी हमने देखा वीक जीडीपी नंबर्स थे यूके के, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव था। आज की अगर सेशन की बात करें, वीक्स में जो ड्रॉप आया है वो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट को तेजी प्रदान करेगा, और उसी के तहत आज यूएसडी आईएनआर में हम एक गिरावट देख सकते हैं। हो सकता है 76 के नीचे का लेवल एक बार दिन में दिखाए, बट 12:30-1 बजे के तक हमें लगता है 75-90 का लेवल दिखाने के बाद फिर से यूएसडी आईएनआर में एक जंप आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरो में भी हमें लगता है कि आज थोड़ा बहुत बाउंस ओपन होगा कल की गिरावट के बाद, जो करीबन 86.20-86.30 के करीब होगा। पाउंड में भी हम एक जंप देख सकते हैं 96 के ऊपर का। येन में हम देख सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, जो 70-60 तक का लेवल दिखा सकती है। धन्यवाद।